16 लाख रुपए आपने इस देश के दिए हैं ना अपने दोस्तों को, हम इस देश में बंटवाएंगे। 1 लाख रुपए सालाना की कमाई दे देंगे जब तक उनको नौकरी नहीं मिले। तो क्या हो गया है मोदी जी को, कॉन्फिडेंस तो नहीं हिल गया है? घबरा तो नहीं रहे कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं हर जगह जाके? उम्र का तकाजा ये भी है। ये सच हो सकता है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल सरकार बनाएगा जिसमें एक्सरे लेके आपके घर के अंदर घुसकर आपके गहने निकाल के किसी और को दे देगा? ये सच हो सकता है? अरे क्या इनको समस्या हो गई है हमारे न्याय पत्र से? क्या समस्या हो गई है? हम न्याय कह रहे हैं इसलिए, हम न्याय दिलवाएंगे इसलिए, क्योंकि हम कह रहे हैं हम महिलाओं को एक साल, हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो 16 लाख रुपए आपने इस देश के दिए हैं ना अपने दोस्तों को, हम इस देश में बंटवाएंगे। बस यही तो कह रहे हैं हम। हम कह रहे हैं कि जो स्कीम्स हैं इनसे आपको रोजगार मिलेगा। हम कह रहे हैं कि जो बच्चे स्नातक पास हैं वो भटकेंगे नहीं रोजगार ढूंढने के लिए, हम उनको अप्रेंटिसशिप देंगे। 1 लाख रुपए सालाना की कमाई दे देंगे जब तक उनको नौकरी नहीं मिले। हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए सुविधा देंगे, स्वस्थ सुविधाएं देंगे, शिक्षा की सुविधाएं देंगे, और अंकल जी आपको सुना रहे हैं, अंकल जी आपको बता रहे हैं कि हम चोरी करेंगे, हम गहने लेंगे। अरे भैया 70 सालों से देश स्वतंत्र है, 55 सालों से इस देश में किसकी सरकार रही बताइए जोर से? कांग्रेस की सरकार रही। कभी किसी सरकार ने ऐसी कोई स्कीम निकाली जिससे कोई एक्सरे मशीन आपके घरों में आकर आपके गहने ले जाए बताइए? तो क्या हो गया है मोदी जी को, कॉन्फिडेंस तो नहीं हिल गया है? घबरा तो नहीं रहे कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं हर जगह जाके? मतलब मैंने कल टीवी चलाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मैंने सोचा किसी ने गलत वो वीडियो मॉर्फ करके कर दिया होगा। फिर दोबारा मैंने किसी दूसरे चैनल पे देखा कि भाई यही कह रहे हैं। फिर मैंने सुना एक्सरे मशीन, मंगलसूत्र, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। फिर आगे जाके कुछ और भटकी भटकी बातें कहने लग गए। तो क्यों कर रहे हैं ये, कभी सोचा है आपने? क्या सोचा है? उम्र का तकाजा ये भी है।